इस वीडियो पे आपको हम सिखाने वाले कि रोलिंग स्टॉप भी कैसा किया जाता है। सो माय नेम इज शेख वाजिद अली, जल्दी आके सब्सक्राइब करो विद द बेल आइकन। पहले आपको हम बताने वाले कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स में कैसे किया जाता है। आप जब भी कोई ब्रेक खरीदिए तो शिमानो का मॉडल नंबर यहाँ पे आता होगा, वो मॉडल नंबर आप खरीद सकते हैं। रोटर्स ऑलवेज शिमानो रोटर्स यूज कीजिए। शिमानो प्रोडक्ट्स के लिए ऑलवेज आई विल रेकमेंड रेजिन पैड्स। हेलमेट इज अ मस्ट। ये ध्यान में रखना है कि हैंडल बार एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा है। आई वुड रेकमेंड 750 और 760 mm हैंडल बार। ऑलवेज यूज वन फिंगर ऑन द ब्रेक्स। ब्रेक्स ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। आपका हैंड बेंड नहीं होना चाहिए रोलिंग स्टॉपी में, हैंड ऑलवेज सीधा रहना चाहिए। खड़ा होकर रोलिंग स्टॉपी इज नॉट एट ऑल अ गुड टेक्निक टू डू। रोलिंग स्टॉपी बैठ के आपको सही से बैलेंस मिलेगा। रोलिंग स्टॉपी कैसा ट्रिक है कि आपको मोशन पे स्टॉपी को उठा के आपको लेके जाना पड़ता है, कि आपको ब्रेक पकड़ के छोड़ना है, पकड़ के छोड़ना है। रोलिंग स्टॉपी में आपको ब्रेक छोड़ना पड़ेगा जब आपका पीछे चक्का का हाइट ज्यादा हो जाता होगा, एंड आपको ब्रेक मारना होगा जब आप रोलिंग स्टॉपी का हाइट कम होता होगा। ज्यादा स्पीड में आकर रोलिंग स्टॉपी ट्राई मत कीजिए, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा अपने लिए। रोलिंग स्टॉपी आप जब मार रहे हो, आप स्ट्रेट देख के आपको टारगेट देखना है कि आप कहां जा रहे हो लेके, वो तभी तो टारगेट टूटेगा।